आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों की समूह तथा विशेष कर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसे कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआ है, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया, धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कुप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जभाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं।
और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन बीत गया। संध्या हो गई। सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अविधि भर अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कोसलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुम्बी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भवदुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परमपद का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी है, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गंगे में नहीं पड़ता। ऐसे विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी की, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न तो संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं और स्वेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्होंने ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई।
अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम में वह रस कहते नहीं बनता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जन्म में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वंदेता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमश भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूली को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की। हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर समान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुम्बी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उन्हें मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग कर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मनमारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषादराज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं।
भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी चार दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरुहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और दिन साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौसल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़ कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा, श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है,
और स्वामी श्री राम जी की सूरती आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सहराने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों का सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार का भजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित्रमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ।